600 साल पुराना मंदिर है रविदास का हमारा, और वो उन्होंने तोड़वा दे मोदी सरकार ने। हमें तो अपना मंदिर चाहिए, हम सब इनको देवी देवताओं को विदा करते हैं। हमने आज तक इनको पूजा है, सब कुछ करा इनके लिए, फल फूल दूध दही सब कुछ करा, लेकिन इन्होंने हमारे लिए आज तक कुछ नहीं करा, और अब हमसे इनकी सेवा नहीं होती, हमने इनको विदा कर दिया है। हम लोग गरीब हैं लेकिन हम किसी का अपमान नहीं करते, लेकिन मोदी सरकार इतनी सरकार है, उन्होंने हमारे महापुरुषों का इतना अपमान किया है, इतना अपमान किया है, फिर भी हमने उनके देवताओं को इज्जत के साथ बाहर सम्मानित किया है। आज हम लोग हैं मेहरौली के एक विशाल मंदिर के अंदर, और यहाँ पे काफी तादाद के अंदर मूर्तियां लगी हुई हैं, और यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं भी खड़ी हुई हैं हाथों में फोटो लेके। हमारे साथ संदीप बाल्मी जी की हैं, जो एमएलए हैं। संदीप साहब, ये मूर्ति हाथों में लेके क्यों खड़े हैं आप? देखिए, हमने एक ऐलान किया था जी। हमारा गुरु घर रविदास जी महाराज का जो गुरु घर है, 600 साल पुराना गुरु घर, केंद्र की सरकार ने तोड़ दिया जी। और हमारा विरोध सिर्फ इतना है, इस देश में जब चुनाव होते हैं लोग कहते हैं हम हिंदू हैं, इस देश में जब दंगे होते हैं जब कहते हैं हम हिंदू हैं। कल जब रामलीला मैदान में बहुत सारा समाज, बहुजन समाज इकट्ठा हुआ, तो ना वहाँ बजरंग दल था, ना वहाँ आरएसएस थी, ना विश्व हिंदू परिषद था, कोई भी हिंदू संगठन हमारे समर्थन में नहीं आया। और सबसे बड़ी बात, जो मीडिया है, जो मोदी मीडिया है या जो केजरीवाल मीडिया है, वो सारे लोग कोई भी कवरेज करने नहीं आया, आप लोगों ने कवरेज किया, ठीक है। तो हमने ऐलान किया था, अगर 21 तारीख तक सरकार हमारा गुरु घर नहीं बनाती है और वो जमीन मंदिर को वापिस नहीं देती है, तो हम जो इनके भगवानों को ढोते आ रहे हैं हजारों सालों से, उनको सह सम्मान उनको वापिस करने के, भाई अपने भगवान आप ले जाओ, हमारे भगवान काशी राम, हमारे राम काशी राम, तुम्हारा राम झूठा है, हमारा राम सच्चा है, हमारा राम सच्चा है, हमारा राम काशी राम, हमारा राम काशी राम, हमारा राम काशी राम, हमारा राम काशी राम, हमारा राम अम्बेडकर, हमारा राम फूले, हमारी राम ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, तो रविदास महाराज, वाल्मीकि भगवान, ये है हमारे, और हम आप वालों को वापिस दे रहे हैं। भाई आप अपने भगवानों को संभालो, 33 करोड़ देवी देवताओं को, और हमारी इन भगवानों को कहां लेके जाने के हैं? हम यहां पर एक तालाब है जी। वहां पर इनको उनके विसर्जित नहीं, वहां रख देंगे जी। है ना, वहां से सम्मान छोड़ के आएंगे और फिर देखेंगे इनके जो जो इनके मालिक बनते हैं वो लेके जाते हैं कि नहीं लेके जाते, है ना। हाँ, जो इनके वारिस हैं, जो राम के वंशज हैं, जो इनके वंशज है, वो ले जाएं, हम उनको देने जा रहे हैं, है ना। ये है सारा मसला, और सारी रविदास समाज के, बहुजन समाज की महिलाएं हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। ये बाबा साहब अंबेडकर का सपना था जिस पे ये समाज चल रहा है। ये जितने अत्याचार करेंगे वैसे हमारा समाज जागरूक हो रहा है, और ये जो हमने कहा था कि 21 तारीख के बाद पूरे देश में ये देशव्यापी हम लोग जो है आंदोलन चला रहे हैं, इनके भगवान इन्हें मुबारक, हमारे भगवान हमारे राम काशी राम। रेश कुमारी जी, महिलाएं आस्था के नाम पे बहुत ज्यादा डरती हैं, तो आज इतनी सारी महिलाएं यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में, इधर भी महिलाएं, कैमरामैन को बोलूंगा उधर कैमरा करके दिखाएं, तो राजेश जी क्या है, मतलब इतनी सारी महिलाएं को डर नहीं लग रहा है, भगवानों को छोड़ के जा रही है, तो इनको घर को रखवाला कौन करेगा, जो इनके बच्चों की पढ़ाई कौन करवाएगा पूरी, इनके जो बच्चों को शक्ति देते हैं वो कैसे इनके बच्चों को शक्ति मिलेगी, तो वो उसके बारे में बताएं। देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर ये महिलाएं मजबूर हो गई हैं इन 33 करोड़ देवी देवताओं को छोड़ने के लिए, कि जब हमारे महापुरुषों का ये लोग सम्मान नहीं करते हैं, और हम इनके 33 करोड़ देवी देवताओं को सदियों से लेते पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं, और अपने घरों में इनकी भय भक्ति और इसे डर के हम सब कुछ करते आ रहे हैं, हम इनको दान दक्षिणा हर तरीके से इनके गुलाम बन चुके हैं, लेकिन अब इनको ये समझ आ गया कि जब हमारा 600 साल पुराना गुरु घर टूट सकता है, गुरु घर को तोड़ दिया गया है, एक मुस्लिम शासक सिकंदर लोधी हमारे गुरु को घर, गुरु का घर बनवाता है, और एक ये मनुवादी मोदी सरकार हमारे गुरु का घर का तुड़वाने का काम करती है, तो हम इनके 33 करोड़ देवी देवता, अब तक हमने इनका बहुत सम्मान किया, जब ये हमारे गुरु महापुरुषों का, हमारे गुरुओं का सम्मान नहीं करते हैं, तो अब ये महिलाएं बड़ी तादाद में ये सब के सब सह सम्मान इनके ये जो देवी देवता 33 करोड़ इनको घर से निकालने का काम कर रहे हैं, और अपने महापुरुषों को हम अपने घर में लाने का काम कर रहे हैं। और यहाँ मैं बता देना चाहती हूँ कि जब वोट की राजनीति होती है तो हम लोगों को ये बड़े प्यार से हिंदू मान लेते हैं कि आप हिंदुओं का अभिन्न अंग हैं। अरे, हम हिंदुओं का अभिन्न अंग हैं, तो आज की तारीख में हम 18 तारीख से हर रोज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार के कानों पे जू नहीं रहेंगी है। अभी संदीप भाई ने बोला कि हमने सरकार से कहा था 21 तारीख तक हमें हमारे गुरु के घर के लिए हमें आश्वासन दें, लेकिन इनका आश्वासन तो बहुत दूर, इन्होंने हमारे
हमारे बच्चों पे लाठी चार्ज किया, फायरिंग की, हमारे बच्चे को अरेस्ट किया और हमारे बच्चे बड़ी तादाद में वहाँ बंद कर रखे हैं। हमें बड़ा दुख है। इस सरकार को इतनी भी बिल्कुल भी इनको शर्म नहीं रही है कि ये जो है हमारे साथ ऐसा अत्याचार ना करे। और दूसरी बात मैं यहाँ कह देना चाहती हूँ कि जब इनके जो वेद पुराण हैं, जब वेद लिखवाने की बारी आई तो इन्होंने वेद व्यास से हमारे वेदों को लिखवाया, और जब रामायण लिखवाने की बारी आई तो हमारे महर्षि वाल्मीकि साहब से इन्होंने रामायण लिखवाई, और जब देश का संविधान लिखने की बात आई तो इनके इनके ऊपर कोई वो नहीं था दायित्व, कोई लिखने के काबिल ही नहीं था, तो हमारे महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश का संविधान इनको लिख के दिया। जब इन लोगों के पास बुद्धि की बात आती है तो ये हमारी तरफ भागते हैं, और हमारे लोगों ने इन्हें इनके धर्म ग्रंथ लिख के दिए, और आज देश का संविधान चल रहा है तो वो हमारे बाप की देन है, इनके बाप की देन नहीं है। संदीप जी, आप बता रहे थे कि आपको बहुत जगह से कॉल आ रहे हैं, क्योंकि ये कॉल आपने दी थी कि देवी देवताओं को उनको हटाएंगे, तो अभी कहां कहां से, सिर्फ यहीं से हटेंगे या कहीं और से भी हटेंगे? देखिए, ये देशव्यापी आंदोलन होने जा रहा है, मुझे बहुत जगह से कॉल आ रही है, और अभी आप बहुत सारी वीडियो देखोगे सोशल मीडिया पे, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, राजस्थान से, तमिलनाडु से, कश्मीर से, कन्याकुमारी से, हिमाचल से, उत्तराखंड से, सारी जगह से लोग जो है ना इस मानसिक गुलामी का त्याग कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग, ये हम लोग छतरपुर में है, फतेहपुर गाँव में है, ठीक है, और दिल्ली से शुरुआत हुई है इस आंदोलन की, और जिसमें बहुत सारी महिलाओं ने भागीदारी की है, और राजकुमारी बहन जी हमारे साथ हैं, ये हमारी नेता हैं, बहन जी हमारी नेता हैं और नेतृत्व करती हैं समाज का। इन्होंने घूंघट प्रथा का यहाँ पर जो है ना विरोध किया, बहुत सारी सामाजिक बुराइयों का विरोध करती हैं, और मैं धन्यवाद करता हूँ, इसमें सबसे पहली जो इस मनुवादी व्यवस्था में कील ठोकने का काम किया वो बहन जी के नेतृत्व में और छतरपुर में किया गया है। जय भीम साथियों, आज ये हमारे समाज की महिलाओं ने, हमारी माताओं ने, बहनों ने मंदिरों से, अपने घरों से ये जो मनुवादी व्यवस्था में फंसा रखा था हमारे लोगों को, ये मूर्तियां बाहर निकाली हैं, और बहुत ही जल्द हम लोग इस स्थान पर बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू स्थापित करेंगे। और इस मनुवादी व्यवस्था को मैं बताना चाहता हूँ, ये जो चूड़े और चमार हैं हम लोग सिर्फ सफाई नालियों की करना नहीं जानते, अगर हम लोग अपने महापुरुषों का इतिहास पढ़ लें सारे के सारे, तो इस मनुवादी व्यवस्था को साफ करने का दम रखते हैं, और इन मनुवादियों को खड़ के फेंकने का दम रखते हैं। अब बाबा साहब अम्बेडकर के, मान्य साहब काशीराम के मिशन में हमारे घर की बहन बेटियां सब लोग आ गए हैं। अब ये मनुवादी हम लोग कमजोर ना समझे, ये अब बाबा साहब अम्बेडकर वर्सेज ये आडंबर है, और इस आडंबर से हमारे घर की महिलाएं निकली हैं, और अब हम इस देश के हुक्मरान इस समाज को बढ़ाने का काम करेंगे। मान्यवर साहब काशीराम का सपना था कि हमारे बच्चे इस देश के विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने, ना कि हम लोग कावड़ लेने जाएं। अभी ये सारे देवता हम इनको छोड़ के आएंगे, और जिनके ये हैं वो ले जाएं भाई इनको, हमारा और इनका इतना ही साथ था। जब इस देश में गुरु रविदास की इज्जत नहीं है, हमारे महापुरुषों की, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की इज्जत नहीं है, तो हम लोग ऐसी प्रथा को ढोंगे करेंगे क्या? अगर इनमें शक्ति है तो मुझे शराब दे, अभी बेहोश कर दे, है ना? ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर कोई राम है इस धरती पे तो वो काशी राम है, हमारा राम, काशी राम, हमारा राम, काशी राम, हमारा राम, काशी राम, तुम्हारा राम झूठा है, हमारा राम सच्चा है, हमारा राम बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, मनोहर साहब श्री काशी राम अमर रहे, कुमारी मावती जिंदाबाद, धन कुमारी मावती जिंदाबाद, धन कुमारी मावती जिंदाबाद, बहुजन शेरनी मावती जिंदाबाद, धन कुमारी मावती जिंदाबाद, बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर साहब काशीराम, और आज बहन जी जिस मिशन को चला रही है, महापुरुषों के मिशन को, उसको हमने घर घर में स्थापित करना है, और इस देश की सबसे शक्तिशाली, इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली आयरन लेडी, इस हिंद की शेरनी बहन कुमारी मायावती को आने वाले चुनाव में हम लोग इस देश की प्रधानमंत्री बनाएंगे, और सारे लोग
सारे लोग इस देश में व्यवस्था ठीक करेंगे और हम सभी धर्मों को सभी जातियों को मानने वाले लोग हैं। अगर हमारे महापुरुषों का अपमान हुआ तो हम जो है किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस देश में अगर रहना है तो जय भीम और जय संविधान कहना पड़ेगा। इनसे हमें गिला क्या, इनको हमसे प्यार कब था, हमने बिताई है जिंदगी घृणा और जिल्लत की, ये हमारे लिए पतवार कब थे। जय भीम, जय साथियों। हमने आज तक इनको पूजा है, सब कुछ करा इनके लिए, फल फूल दूध दही सब कुछ करा, लेकिन इन्होंने हमारे लिए आज तक कुछ नहीं करा और अब हमसे इनकी सेवा नहीं होती, हमने इनको विदा कर दिया है। आज तक हमारा इनका साथ अभी तक का था, अब हम इनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हमारा पीछा छोड़ो, अब तुम जिनके हो उनके घर में जाओ, हमारे घर में सिर्फ बाबा साहब रहेंगे और काशीराम। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भीम, जय भारत। हम लोग गरीब हैं लेकिन हम किसी का अपमान नहीं करते, लेकिन मोदी सरकार इतनी सरकार है, उन्होंने हमारे महापुरुषों का इतना अपमान किया है, इतना अपमान किया है, फिर भी हमने उनके देवताओं को इज्जत के साथ बाहर सम्मानित किया है, क्योंकि हम गरीब हैं लेकिन हम नीच नहीं हैं। भारत जैसे कि मोदी सरकार हमारी नीति यहाँ है, उन्होंने हमारे साथ किया और हम ऐसा ना करेंगे और ना कर सकते हैं। रविदास महाराज की, वाल्मीकि भगवान की, बाबा साहब अंबेडकर अमर रहे। मेरा कहने का मतलब ये है, 30 साल से पूजते आ रहे हैं देवी देवता ने, लेकिन कुछ नहीं दिखाया हमें। हमारा 600 साल पुराना मंदिर है रविदास का हमारा, और वो उन्होंने तोड़वा दे मोदी सरकार ने, हमें तो अपना मंदिर चाहिए, हम सब इनको देवी देवताओं को विदा करते हैं। क्या कारण है कि आप इन लोगों इन देवी देवताओं को विसर्जित करने ले जा रहे हैं मंदिर के मंदिर से बाहर? मेरे पूर्वजों ने हजारों वर्षों से इनको ढोया है और मुझे मिला क्या है, केवल सेवा करने के अलावा कुछ नहीं है। घृणा मिली है हमें, तिरस्कार मिला है। ये पराकाष्ठा है कि हमारे देवी देवताओं के मंदिरों को भी ये लोग नहीं बचा पा रहे हैं, जमीन हमें दी नहीं। हम डिमांड करते हैं सरकार से, हमारे महापुरुष हमारे संत का मंदिर वहीं बने जहां वो था, वरना हम इसको तिरोहित कर रहे हैं इन मूर्तियों को। हमें इनमें कुछ भी सच नजर नहीं आ रहा है, हम इनको विदा कर रहे हैं, अपने भाई कर रहे हैं। हम जाटा समाज से और वाल्मीकि समाज हमारा एक ही है और हम रविदासी समाज, हम सब मिलकर संघर्षशील रहेंगे और तब तक हमारा मंदिर नहीं बनेगा, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमारा संघर्ष, ये मनुवादी सरकार भरम ना पाले अपने अंदर, हम मूल निवासी हैं यहाँ के, हम उनको खदेड़ देंगे और तब तक चैन नहीं लेंगे जब तक हमारा मंदिर नहीं बन जाएगा। वाल्मीकि शक्ति, वाल्मीकि भगवान की, रविदास महाराज की, हमारा राम काशी राम, काशीराम काशी राम, हमारा राम काशी राम, काशी राम काशी राम। साथियों, आज हम फतेहपुर गांव में वाल्मीकि मोहल्ले में हैं, हमारे समाज के सारे लोग यहां पर खड़े हैं। अभी हम रविदास समाज में थे, जाटा समाज में थे, वाल्मीकि समाज के लोगों ने, प्रधानों ने, सब ने ये निर्णय लिया है, अगर इस देश में जो मनवादी व्यवस्था है वो हमारे गुरु घरों को तोड़ेगी। आज रविदास महाराज का 600 साल पुराना मंदिर तोड़ा है, कल वाल्मीकि भगवान के मंदिरों को तोड़ेंगे, परसों किसी और महापुरुष के मंदिर को तोड़ेंगे। ये चाहते ये हैं कि इस देश में अंबेडकरवाद खत्म हो जाए और इस देश में बराबरी का हक इन दलितों को ना मिले, इनको इंसान ना समझा जाए। ये चाहते हैं वो पुराना दौर आ जाए, इनके जब पीछे झाड़ू और गले में हांडी बांधने का काम ये सण जाति के लोग करते थे, मनवादी लोग करते थे। हमारी लड़ाई किसी जाति से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी धर्म से नहीं है, लेकिन आज हमारे गुरु घर को तोड़ा गया है। अगर हम चुनाव में हिंदू होते हैं, अगर हम मुसलमानों के साथ दंगे में हिंदू होते हैं, तो आज कौन सा हिंदू संगठन इस मंदिर की लड़ाई में हमारे साथ है? कौन से बजरंग दल के लोग खड़े हैं हमारे साथ? कौन से विश्व हिंदू परिषद के लोग खड़े हैं? कौन खड़े? आज हम इनके भगवानों को इनको वापस दे रहे हैं। भाई अपने बुड्ढे ले जाओ, हमारे भगवान जो है वाल्मीकि भगवान है, रविदास महाराज है, और ये देशव्यापी आंदोलन शुरू होने जा रहा है।
अब ये रुकने वाला नहीं है। जब तक गुरु घर नहीं बनेगा, हम लोग अपने घरों में इनके महापुरुषों को नहीं रखेंगे। अपने दादे परदादाओं को ले जाओ, हमारे दादे परदादाओं ने देश बनाया है। जय भीम, जय मनोहर साहब, काशी राम, काशी राम, काशी राम, काशी राम, हमारा राम, काशी राम, हमारा राम, काशी राम, हमारा राम, काशी राम। बनवादी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बनवादी सरकार होश में आओ, होश में आओ। गुरुओं की बेअदबी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। गुरुओं की बेअदबी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।